पकड़ा गया शोमी, MI का ब्राउजर सारा डाटा चोरी कर लेता है। भाई बिल्कुल सही कहा, इनकी एड्स भी ऐसी होती हैं। ये देखो आंटी क्या कर रही है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार थोड़ा सा मजाक किया है, बुरा मत मनाइएगा। और यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट का। मेरी पिछली वीडियो में भी मेरे को 500 से भी ज्यादा लाइक्स देखने को मिले, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार बात करने वाले हैं यहाँ पर MI के ब्राउजर के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है, जिससे पता चलता है कि जो MI का ब्राउजर है वो सारी हमारी हिस्ट्री, जो भी हम सर्च करते हैं वो सारी चाइनीज सर्वर्स को, जो अलीबाबा कोई ऐसा कुछ नाम है, उन्हें प्रोवाइड कर देता है। पर दोस्तों जब शोमी से ये पूछा गया, पर उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि यार हम कुछ ऐसा नहीं करते, आपकी जो प्रोटेक्शन प्राइवेसी है वो काफ़ी सेफ रहती है। पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो यार आपको बहुत सारी जो है वेबसाइट देखने को मिलेंगी जो क्लेम कर रही हैं। एक यूज़र है Redmi Note 8 का, उसने ये जो है वो खुलासा किया है, उसने जो है वो ये बताया है कि जब भी आप अपने MI ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सब कुछ ट्रैक करता है, उसकी सब कुछ का जो डेटा है वो सेव करके सर्वर्स के द्वारा चाइनीज कंपनीज को, यानी कोई चाइनीज कंपनी को भेज देता है। और दोस्तों यही नहीं, उसने ये भी बताया है कि ये सिर्फ Redmi Note 8 में ही नहीं, Redmi K20, K20 Pro, MI 10, दोस्तों बहुत सारे ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं Xiaomi के, सब में वैसा ही होता है। तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 15 मिलियन जो डाउनलोड हुए हैं प्ले स्टोर से, जो MI का जो नया ब्राउजर प्रो ब्राउजर है उससे भी। तो दोस्तों हमारे इंडिया में तो MI ब्राउजर की कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि इतने Xiaomi के फ़ोन हैं और उसमें अगर आप कोई भी लिंक ओपन करते हैं तो आपको अब चॉइस ही नहीं देता है, वो सीधा जो है ओपन करता है MI का ब्राउज़र। तो वो जो भी आप हिस्ट्री, आप जो भी कुछ सर्च करते हैं वो सीधा चाइनीज सर्वर पे चला जाता है। अगर आप कुछ जो प्राइवेट मूड है अगर आप उसमें भी जाते हैं तब भी आप पोन हब, आप कुछ भी वहाँ पर जो है सर्च करते हैं तो यार वो सारा डेटा जो है वो चाइनीज सर्वर पर चला जाता है। तो यार अब क्या कहते हैं, Xiaomi ने तो यही कहा है कि आपकी प्राइवेसी बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यार रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुकी है तो हमारा काम है आपको बताना। तो आप जो है वो MI का ब्राउज़र कम यूज़ कीजिए, आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कीजिए, वही सेफ है क्योंकि गूगल का है, चलो वो भी ट्रैक करता है, पर यार ऐसा तो कुछ यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आता है, हमारा काम है आपको बताना। तो यार ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर Xiaomi के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।